हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज का सेशन जो है स्पीड रीडिंग पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं और आपने थंबनेल में भी देखा हुआ था, स्पीड रीडिंग माने आप तेजी से कैसे पढ़ सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को है ना सीख करते हैं, उसको देखते हैं, अटेम्प्ट करने वाले हैं, कर चुके हैं, तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इंग्लिश के सेक्शन में आती है वो है कि हमारे पास टाइम कम होता है। ठीक है, और ये शिकायत लगभग वो लोग कर रहे होते हैं जिनकी आदत में रीडिंग नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको रीडिंग को रेगुलर बेसिस में अपने है ना करिकुलम में ऐड करना होगा। ठीक है, उसी से आपकी स्पीड डेवलप होगी, लेकिन उसके अलावा कुछ और स्ट्रैटेजीज भी होती हैं जिसके थ्रू अपनी रीडिंग को आप बेहतर कर सकते हैं, उसमें स्पीड ला सकते हैं। तो आज का हमारा सेशन इसी बारे में रहेगा। ठीक है, कुछ टेक्निक्स में कुछ टिप्स आपको देने वाला हूँ जिसके वजह से आपकी स्पीड बेहतर हो सकती है। ठीक है ना, उसके बाद हम एक सैम्पल पैसेज लेंगे जिसमें मैं उन टेस्ट और टेक्निक को मैं यूज़ करके दिखाऊंगा कि कैसे वहाँ पे आप उनको बेहतर कर सकते हैं। और उसके बाद एक टेस्ट रहेगा फुल फ्लेज्ड, जिसके बाद में क्वेश्चंस भी रहेगा। ठीक है ना, जो सैम्पल पैसेज होगा वहाँ पे क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, लेकिन जो टेस्ट रहेगा वहाँ पे आपके 5 क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप उन टेक्निक को रियल पैसेज में अप्लाई कर सकते हैं और फिर चेक कर सकते हैं कि आपकी स्पीड कितनी है और उससे फ़ायदा आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आई एम श्योर मैंने आपको है ना इन्फॉर्मेशन क्लियर दे दी है। ठीक है, और इसके अलावा एक बात और आपको मैं समझा देता हूँ। अगर आपको है ना इसका लेवल और है ना बेसिक चाहिए, आपको लगता है कि बेसिक लेवल हमें इम्प्रूव करना है, ठीक है, और जिनको स्पोकन पे अगर कमांड अपनी बनानी है, तो उसके लिए मेरा एक और चैनल है इंग्लिश ज्ञान के नाम से। ठीक है ना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। ठीक है, और आई बटन पर अगर आप क्लिक करें तो वहाँ पर आपको वो मिल जाएगा, या आप स्क्रीन के एंड में आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे भी हो मैं आपको लिंक तक पहुंचा दूंगा, उसके बाद वहाँ पे कंटिन्यू रहें। वहाँ पे हम स्टोरीज है ना को कवर करते हैं, उनको ट्रांसलेट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश में। ठीक है, तो उससे आपकी क्या होगा, सेंटेंस की कमांड आपके आपके पास आ जाएगी और धीमे धीमे आपका स्पोकन, आपका रिटन है ना वो आपका बेटर हो जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रीडिंग की डेफिनेशन समझ लेते हैं कि रीडिंग के क्या मायने हैं, क्या आप समझते थे अब तक, और हमको क्या जानना चाहिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट इज रिकॉग्निशन, दैट इज द रीडर्स नॉलेज ऑफ द अल्फाबेटिक सिंबल्स। ठीक है, रिकॉग्निशन का मतलब हुआ कि जो रीडर पढ़ के समझ पा रहा है उससे दूर, वो तो बहुत दूर की बात हो गई, लेकिन अगर जो बेसिक उसका एलिमेंट है कि आपको अल्फाबेटिक सिंबल की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे इस टाइम जो आप टेक्स्ट देख रहे हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या इसको देख के को आपको है ना स्ट्रेंज फीलिंग होती है, क्या नोन टेरिटरी दिखती है कि हाँ ये वो ऐसी जगह है जहां पहले भी आ चुके हैं। ठीक है ना, अगर आपको सिमिलरिटी, आपको फेमिलरिटी दिखती है, ठीक है, तो कंफर्ट लेवल आपका रहेगा उसमें। जैसे मैं अगर देखूं उसमें, तो THE द ये मैं जानता हूँ, है ना, डेफिनेशन ये वर्ड भी मैंने सुन रखा है पहले, ऑफ भी सुन रखा होगा, रीडिंग भी सुन रखा होगा, तो इसकी रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपके अल्फाबेटिक सिंबल जिसकी ये बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है असिमिलेशन, तो इसका मतलब क्या होता है, पढ़ते हैं, द फिजिकल प्रोसेस ऑफ परसेप्शन एंड स्कैनिंग। ठीक है, ये आपका फिजिकल प्रोसेस है परसेप्शन बिल्ड करने का और स्कैन करने का, माने ख्याल बनाने का और चीजों को स्कैन करने का, उसको बोलते हैं असिमिलेशन। ठीक है, कि आप मन में सोच पा रहे हैं कि हाँ ये पैसेज किस बारे में है, ये क्या लिखा हुआ है, और उसको बहुत जल्दी स्कैन कर पाए। ठीक है, जैसे आपको मैं एक हिंट दूं, जैसे मेरे सामने ये, मैं वापस जाता हूँ, ठीक है, ये यहाँ से मैं वापस जाता हूँ, अब जल्दी से है ना 2-3 सेकंड में, 2-5 सेकंड में जल्दी से आपके सामने जो एक बार वर्ड्स है ना ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लीजिए एक बार इनको। ठीक है, ये नहीं पूरा पढ़ना है, आपके नज़र में देख लीजिए क्या क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैंने जैसे इस पर नज़र डाली तो मुझे डेफिनेशन, रीडिंग, रिकॉग्निशन, लीडर्स नॉलेज, अल्फाबेट सिंबल, असिमिलेशन, फिजिकल प्रोसेस, परसेप्शन, स्कैनिंग, इंटर इंटीग्रेशन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, डिराइव्ड रीडिंग मटेरियल इटसेल्फ, मिनिमम डिपेंडेंस, तो मतलब मुझे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स दिख रहे हैं। ठीक है, जिससे दिमाग में चल सकता है कि हाँ इसमें ग्रामर की बात हो रही है, वोकैबुलरी की बात हो रही है, है ना अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है, प्रोसेस किसी की बात हो रही है, नॉलेज की बात हो रही है, लीडर की बात हो रही है। ठीक है, तो मेरा माइंड जो है अपने हिसाब से, मैं जब इन वर्ड को रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ, उनको स्कैन कर पा रहा हूँ, तो एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पाता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं असिमिलेशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थर्ड है इंट्रा इंटीग्रेशन। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग डिराइव फ्रॉम द रीडिंग मटेरियल इटसेल्फ विद मिनिमम डिपेंडेंस ऑन पास्ट एक्सपीरियंस अदर देन अ नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी।
माने जब आप किसी भी टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं तो उसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपके आपके समझ में आ जाए, ठीक है ना। उसमें जितना कम से कम हो, आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस पर डिपेंड करते हो, या फिर आपकी जो ग्रामर और वोकैबलरी की नॉलेज है उसका इस्तेमाल आप कम से कम कर पा रहे हो, ठीक है ना। उसके करने के बावजूद जो भी आप समझे वो हो गई इंट्रा इंटीग्रेशन, ठीक है, इससे आप रीड कर पा रहे। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन, दैट इज एनालिसिस, क्रिटिसिज्म, एप्रिसिएशन, सिलेक्शन एंड रिजेक्शन। दीज आर ऑल एक्टिविटीज विच रिक्वायर द रीडर टू ब्रिंग हिज पास्ट एक्सपीरियंस टू बियर ऑन द टास्क, ठीक है। जब आप एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन का यूज कर रहे हैं रीडिंग करने में तो वहां पे आप चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है ना, उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। कुछ चीजों को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, कुछ चीजों को आप रिजेक्ट कर रहे हैं, और ये सब कैसे हो पा रहा है, जब आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को यूज कर पा रहे हैं, ठीक है, तो ये हो पा रहा है, ठीक है। फिर पढ़ लेते हैं, रिकॉग्नाइज करना है आपका रीडिंग हो गया, ठीक है ना, असिमुलेट करना, इकट्ठा करना हो गया चीजों को, है ना, कैसे, अपने परसेप्शन को स्कैन करके, है ना। उसके बाद में बेसिक स्टोरी लाइन जिसे कह सकते हैं कि क्या कहना चाहता है वो तो डिटेल होगी, लेकिन उसके अलावा भी जो बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी डेवलप हो जाए, ठीक है। और उसके अलावा कि आप चीज़ों को एनालाइज कर पाए, उनके बारे में नेगेटिव बोल पाए या पॉजिटिव बोल पाए, अच्छी चीज़ों को रिजेक्ट कर सेलेक्ट कर पाए और बुरी चीज़ों को आप रिजेक्ट कर पाए, वो सब चीज़ें, ठीक है। इंट्रा इंटीग्रेशन में आपकी पास्ट एक्सपीरियंस यूज नहीं होते, है ना, ग्रामर वोकैबुलरी की नॉलेज यूज नहीं होती है, जबकि एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन में होती है। नेक्स्ट है रिटेंशन, दिस इज द कैपेसिटी टू स्टोर द इंफॉर्मेशन इन मेमोरी। अब रिटेंशन का मतलब होता है कितना आपको याद रह गया, तो अपने मेमोरी में, है ना, आपने इंफॉर्मेशन स्टोर की उसकी कैपेसिटी क्या है ना, रीडिंग से ये भी फायदा मिलेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, रिकॉल, द एबिलिटी टू रिकवर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी स्टोरेज, कि आपको आपने इंफॉर्मेशन ले तो ली, पैसेज आपने पढ़ लिया, लेकिन पढ़ने के बाद कितना आपको याद रह गया, अगर आपको स्टोरी के बारे में दोबारा पूछा जाए, ठीक है ना, या आपसे बोला जाए कि वो कुछ 10-15 वर्ड्स लिख दीजिए जो आपको स्टोरी में दिखाई दे रहे थे, तो क्या आप उनको लिख पाएंगे। अगर आप लिख पाते तो उसको बोलते हैं रिकॉल वैल्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कम्युनिकेशन, दिस रिप्रेजेंट्स द एप्लीकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड मे बी फर्दर ब्रोकन डाउन इंटू एटलीस्ट 4 कैटेगरीज विच आर रिटन कम्युनिकेशन, स्पोकन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन थ्रू ड्रॉइंग एंड द मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, थिंकिंग विच इज अनदर वर्ड फॉर कम्युनिकेशन विद इटसेल्फ, ठीक है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है वार्तालाप, या फिर आप कह सकते हैं कि आदान प्रदान, है ना, ज्ञान का, ठीक है। ये क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एप्लीकेशन माने यूसेज, यहाँ पे इसका मतलब हुआ, ठीक है, इंफॉर्मेशन का यूसेज। और इसको 4 प्रकार से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है रिटन कम्युनिकेशन, क्या उस बात को आप लिख के, है ना, प्रकट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है स्पोकन कम्युनिकेशन, क्या बोल के प्रकट कर सकते हैं। तीसरा है कम्युनिकेशन थ्रू ड्राइंग, क्या उसका चित्रण कर सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट्स मतलब चीजों के साथ में आप उसको बयां कर सकते हैं। उसके बाद में थिंकिंग, जो आपका विचार है, जो आप सोच रहे हैं, जो खुद में एक कम्युनिकेशन है, मतलब खुद के साथ में कम्युनिकेशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है, ये तो हो गया आपका रीडिंग की डेफिनेशन, आई एम श्योर आपको क्लियर होगी, है ना। फिर पढ़ देता हूँ, रिकॉग्निशन है इसमें, असिमुलेशन है, इंट्रा इंटीग्रेशन है, एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन है, रिटेंशन है। रिकॉग्नाइज करना मतलब शब्दों को पहचानना होता है, उसके बाद में, है ना, अपने मन में ख्याल बिल्ड करना, उनको स्कैन करना, फिर अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को, है ना, समझ पाना इसमें, अपने ग्रामर वोकैबलरी और पिछले एक्सपीरियंस को यूज़ किए बिना, और फिर ग्रामर वोकैबलरी और अपने पिछले एक्सपीरियंस को यूज़ करके चीज़ों को एनालाइज करना, उनके बारे में अच्छाइयाँ बुराइयाँ ये ढूंढ पाना, ठीक है ना। कुछ चीज़ों को आप सेलेक्ट कर पाएँ, कुछ को रिजेक्ट कर पाएँ, ये कर पाना। उसके बाद, है ना, कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको रिटेन कर पाना, है ना, रिटेंशन याद रख पाना। फिर है रिकॉल वैल्यू, अगर आपसे बोला जाए उसको रिक्रिएट करिए तो आप रिक्रिएट कर पाए, तो उसको बोलते हैं रिकॉल वैल्यू। फिर कम्युनिकेशन रखना, लिख के बताना, बोल के बताना, ठीक है ना, ड्रॉ करके बताना, है ना, ऑब्जेक्ट्स के द्वारा बताना, या फिर सोचना उसके बारे में, ये सारे रीडिंग का पार्ट है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, प्रॉब्लम्स वाइल रीडिंग, समस्या क्या होती है, पढ़ते समय आपके संग समस्या क्या होती है। तो पहला पॉइंट है स्टिल यूजिंग द मेथड्स टॉट इन एलिमेंट्री स्कूल। ये देखो, ये कैसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके लिए, है ना, आपके लिए रोड़ा भी बन सकता है, ठीक, और आपके लिए एक स्टेपिंग स्टोन भी बन सकता है, मतलब आगे बढ़ने का रास्ता भी निकाल सकता है। तो क्या बोल रहा है वो, कि अभी भी वही मेथड यूज कर रहे हैं जो स्कूल में बताए गए थे, स्कूल में सिखाए गए थे, ठीक है।
तो उन मेथड्स को आपको चेंज करना है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ कि वो रिजिड होते हैं, आप उन्हें चाहे जितना भी उनको समझा लीजिए, चाहे जितना भी उनको बेनिफिट या फायदे बता दीजिए, लेकिन वो अपने मेथड्स, अपने तरीके चेंज ही नहीं करते, ठीक है। बल्कि उल्टा आपको ये समझाते नहीं, मुझे तो फायदा मिल रहा है ना, वो झूठ बोल देते हैं, या फिर वो है ना, एक कहते हैं ना मिथ गुमान, उनको एक भ्रम सा रहता है कि नहीं, मैं जो तरीका यूज कर रहा हूँ बिल्कुल सही तरीका यूज कर रहा हूँ, कोई इसमें कमी नहीं है ना, आज नहीं तो कल मुझे फायदा मिल ही जाएगा, ठीक है। तो अपने पुराने मेथड को यूज कर रहे हैं, इसलिए आपको रीडिंग में, स्पीड रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा है, दे हैव सेटल्ड विद एवरेज स्कोर। हाँ, ये भी एक पॉइंट है कि उनको एवरेज स्कोर से सेटलमेंट हो गई। जैसे किसी व्यक्ति को मान लीजिए पैसे सॉल्व करने में है ना, एक उन्होंने पहला पैसे सॉल्व किया तो उनको उसमें 4 नंबर आए, ठीक है। उन्होंने दूसरा पैसे सॉल्व किया तो उनको 3 नंबर आए, फिर तीसरा किया तो उनको 5 नंबर आ गए, ठीक है। फिर चौथा किया तो उनके 6 नंबर आ गए, ठीक है। फिर पांचवा किया तो उनके 4 नंबर आए, और फिर 3 4 5 6, 3 4 5 6 का ये एक पैटर्न सा उनके मन में, उनके टेस्ट में ड्रॉ हो गया है। तो इस पैटर्न को देख के उनके माइंड को एक सिग्नल पहुंच गया कि भाई आपके ना पैसे में 6 नंबर ही आ सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। 3 4 5 से तुम ले ही आ रहे हो, लेकिन तुम 6 से ऊपर नहीं ला सकते, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट देते ही नहीं है, वो उस स्कोर से है ना संतुष्टि पा लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उसी पैसेज में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के वो 7 8 9 या 10 नंबर भी बटोर सकते हैं, ठीक है। फिर स्लो रीडिंग रिजल्ट्स इन डे ड्रीमिंग एंड बोर्डम। फिर क्या होता है, देखो है ना, प्रॉब्लम जो है उसका वही उसकी जड़ है ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट क्यों हो रही है तो उसका रीजन भी वो खुद है। कैसे, क्या बोले कि भाई मुझे क्या होता है ना, मैं स्लो रीड करता हूँ, मैं धीमे धीमे पढ़ता हूँ। क्यों धीमे पढ़ते हैं, क्योंकि तो आपको, आप बोलेंगे मुझे इंग्लिश पढ़ने मज़ा नहीं आता है ना, मुझे है ना पसंद नहीं आती इंग्लिश पढ़नी। और क्यों नहीं आती है, तो रीजन है कि आप धीमे धीमे पढ़ते हैं। आप धीमे पढ़ते हैं इसलिए आप जो इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी चाहिए वो भी आपको याद नहीं रहती है, ठीक है ना। और दूसरा कि आप बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो स्लो रीडिंग रिजल्ट क्या करता है, डे ड्रीम, मतलब दिन में ख्याली पुला पकाना और बोर हो जाना, ठीक है। और मैंने ये संग शायद आपके साथ भी हुआ है कि आप जब रीडिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे, तो आपका जो ध्यान है बार बार मतलब भटकता है, ठीक है। कई बार आप कुछ और सोच रहे होते हैं, बिल्कुल है ना कंसंट्रेट करके बैठना चाहते हैं, पर किसी वजह से माइंड में कुछ डिस्टरबेंस आई है, किसी ने डांट दिया है आपको, या किसी वजह से आपकी है ना पिछले स्कोर को लेके कुछ टेंशन मन में चल रही है, फ्यूचर को लेके चिंतित हैं आप, बहुत रीजन हो सकते हैं, रिलेशनशिप को लेके चिंतित हैं है ना, कल शाम को झगड़ा हुआ है, अब कैसे है ना समझाएं मनाएं वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, और इस बीच आप पैसे सॉल्व करने बैठ गए, ठीक है। तो भले आपके है ना दिमाग में ये चल रहा होगा कि मैं पैसे पढ़ रहा हूँ, पर दिमाग का एक कोना जो है उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी ढूंढ रहा होगा, ठीक है ना। तो दोनों काम साथ साथ में होने की वजह से है ना आपके मन में ये झल्लाहट आ जाती है, भाई ये काम नहीं हो सकता, ये काम मेरे बस का नहीं, आप ये मान के बैठ जाते हैं, ठीक है। तो स्लो रीडिंग को आपको ओवरकम करना होगा। फिर उसके बाद क्या है, मिसमैच बिटवीन थिंकिंग स्पीड एंड रीडिंग स्पीड ना, जो रीडिंग की स्पीड है वो और आपके सोचने की स्पीड है वो मिसमैच हो जाती है, बिल्कुल सही, ठीक है। अब चाहे आपको इंग्लिश पसंद आए चाहे नहीं आए, लेकिन आपका स्कोर चाहे कोई सा भी आता हो, लेकिन ये बात तो कोई झुठला नहीं सकता कि आपकी सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। चाहे बीए करा हो, चाहे बीकॉम करा हो, चाहे बीएससी करा हो, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हो या कुछ भी पढ़ते हो आप, ठीक है ना, आपका ब्रेन जो है वो ना सुपरसोनिक स्पीड से दौड़ता है ना, कभी ये सोचता है कभी वो सोचता है ना, कभी यहां से वहां पहुंच जाता है, ठीक है। लेकिन आपकी रीडिंग की स्पीड जो है वो उससे मैच नहीं करती, ठीक है। तो ये भी एक रीजन, मैं जैसे भगवान ने बताया ना कि आप पढ़ते पढ़ते कहीं और पहुंच जाते हैं, सोचने कुछ और लग जाते हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि आपने ब्रेन को भी ट्रेन नहीं किया है। जितना जल्दी जितना अच्छे से आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर पाएंगे, उसको सिखा पाएंगे, उतना ही ज्यादा है ना आपको अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे, ठीक है। एक बात आपको मैं बता देता हूँ कि जो ब्रेन है ना, ही इज अ वेरी गुड सर्वेंट, ठीक है, ब्रेन इज अ वेरी गुड सर्वेंट, बट ही इज अ वेरी बैड मास्टर। जो ब्रेन है आपका, ये आपका नौकर बहुत अच्छा बन सकता है, लेकिन अगर आपने इसको मालिक बना दिया तो ये बहुत बुरा मालिक बनेगा, ठीक है। तो ये सब उन लोगों के लिए है जो अपने मन की सुनते हैं है ना, उन्होंने अपने ब्रेन को इस प्रकार से ट्रेन नहीं किया कि वो क्वालिटी है ना चीजों पर फोकस करे, ना कि बेकार की चीजों पर। जैसे ठीक है, जैसे अब मैं समझा देता हूँ आपको कि बहुत लोग ऐसा होता है कि अगर आप उनसे कभी बात करेंगे ना, तो
तो उनकी कन्वर्सेशन में कुछ भी पॉजिटिव निकल के नहीं आता है, ठीक है ना। कभी वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बात नहीं करते, दैट मीन्स दे डोंट थिंक सॉल्यूशन ओरिएंटेड, वो हमेशा प्रॉब्लम की बात कर रहे होते हैं। अरे यार बड़ी परेशानी है ना, बड़ी कंफ्यूजन है यार, ये तो बड़ा मुश्किल है ना, पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं लोग कैसा सिलेक्शन ले लेते हैं, है ना, हम तो कोशिश कर रहे हैं पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, शायद मेरी किस्मत में नहीं है। तो ऐसी बातें जो कर रहे होते हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो कभी भी सोल्यूशन की बात कर ही नहीं सकते, उनके बस का है ही नहीं, क्योंकि उनको इन समय मजा आता है, ठीक है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि अपनी थिंकिंग स्पीड को है ना कंट्रोल में लेकर आए। उसके लिए कुछ ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, ठीक है ना, आई एम श्योर मैं वो भी आपके संग कर पाऊंगा, ठीक है ना, लेकिन अभी के लिए तो पैसेज पर फोकस कर लेते हैं। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ रीडिंग स्पीड। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप अपनी रीडिंग स्पीड को टेस्ट करें, ठीक है। अब टेस्ट कैसे करेंगे, तो सिंपल ट्रिक है, चूज अ नॉवल, एक नॉवल ले लीजिए या कोई किताब ले लीजिए दैट यू आर इंटरेस्टेड इन, ठीक है, जिसमें आपको रुचि है एंड कैन रीड इजिली, जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। मेजर द टाइम इट टेक्स टू रीड 5 पेजेस, है ना, आप टाइम काउंट कीजिए 5 पन्ने पढ़ने में कितने लगे हैं आपको। योर रीडिंग स्पीड कैन देन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूले, फॉर्मूले को यूज करके अपनी रीड स्पीड आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ। ओके, तो मान लीजिए आपने पढ़े हैं 5 पेजेस और उसको आपने मल्टीप्लाई किया कितने वर्ड्स, क्या लिखा हुआ, नंबर ऑफ पेजेस रेड, तो आंसर कितना है, 5 पेजेस पढ़े हैं आपने। फिर नंबर ऑफ वर्ड्स पर पेज है ना, एवरेज निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए कि एक में पहले पन्ने में 200 थे, ठीक है ना, उसके बाद में अगले पन्ने पे 400 थे, ठीक है, उसके बाद में 350 पेजेस थे अगले पन्ने पे, उसके बाद में 550 पेजेस थे, सॉरी वर्ड्स थे, मैं बार पेजेस बोल रहा हूँ, वर्ड्स थे, ठीक है, और फाइनली लास्ट वाले में भी 300 वर्ड्स थे, ठीक है। अब आप ये टोटल यहाँ लिख लीजिए कितना होता है, जरा बताइए, ठीक है, दैट इज 5, है ना, 5 + 4 9, 9 10 11, 11 + 3 इज 14, 14 + 3 इज 17, दैट मीन 1700 आपके वर्ड्स हो गए, ठीक है, और कितने रह गए इधर, 50 इधर है, 50 इधर, मतलब आप 100 और मान लीजिए 1800 आपके वर्ड्स हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके टोटल हो जाते हैं 1800, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, रुको जरा, ठीक है, हाँ जी, 1800 आपके पेजेस हो गए। अभी से आप डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो कितना हो जाता है आपका, दैट इज अब मैं अगर निकालना चाहूँ इसमें, तो 250 300 निकाल लेते हैं, ठीक है ना, 5 1 5 एंड 5 3 15, कितना बचा, 30, और तो ये कितना हो गया, 60 हो गया। मान लीजिए 360 वर्ड्स आपके एवरेज निकल के आते हैं, और आपको लगता है 10 मिनट का समय, ठीक है, तो कितना हो गया, 5 1 5 और 5 2 10, 2 1 2, 2 18 एंड 0 7 में, तो कितना हो गया, 180 वर्ड्स हो गए पर मिनट, आपकी स्पीड ये निकल कर आ गई, 180 वर्ड्स आप पर मिनट पढ़ते हैं, ठीक है। तो आई एम श्योर इसी के आसपास आपका निकलेगा, थोड़ा हो सकता है ज्यादा निकल कर आए, थोड़ा हो सकता है कम निकल कर आए, ठीक है, लेकिन आपका जो वर्ड पर मिनट होगा, अगर आपकी स्लो रीडिंग की प्रॉब्लम है, तो 300 क्रॉस नहीं होगा, मेरा अजम्पशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है ना। आप कैलकुलेट करें अपनी रीडिंग स्पीड और उसके बाद मुझे बताएं, ठीक है ना, कि आपको क्या लगता है। आप इस वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए, है ना, आप थोड़ा सा टाइम निकालिए, है ना, और पढ़ के देख लीजिए, आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो अपनी रीडिंग स्पीड को टेस्ट करना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता तो चले कि अभी आप स्टैंड कहाँ करते हैं, है ना। अगर मुझे कहीं जाना है, पहले ये तो देखो मैं जाऊँगा कहाँ से। नेक्स्ट है, देर आर टू टाइप्स ऑफ रीडिंग। फर्स्ट इज, अब फर्स्ट में दो प्रकार है, लाउड रीडिंग और सब वोकलाइजेशन। पहला है रीडिंग इट आउट लाउड सो दैट द अदर पीपल अराउंड यू कैन हियर यू, ठीक है, इतना जोर से पढ़ना, जैसे इस वक्त जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ना, ये हो गया लाउड रीडिंग, ठीक है। और दूसरा हो गया सब वोकलाइजेशन, मतलब आप पढ़ तो जोर से ही रहे हैं, लेकिन इतना जोर से पढ़ रहे हैं कि बाकियों के लिए वो हो जाए, आई एम सॉरी, बाकियों के लिए वो हो जाए इनऑडिबल, ठीक है, बाकी लोग पढ़ नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, सॉरी, बाकी लोग सुन नहीं पा रहे, इतना जोर से बोल रहे हैं कि मतलब आपकी आवाज आप तक तो पहुंच रही है, लेकिन और कोई इसको सुन नहीं रहा है, उसको बोलते हैं सब वोकलाइजेशन, ठीक है। ये पहला का, पहले के दो प्रकार हो गए, ठीक है, ओनली यू नो दैट यू आर रीडिंग, सिर्फ आप जानते कि आप पढ़ रहे हैं, बाकी कोई नहीं जानता। सेकेंड है थिंकिंग, दिस कंसिस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड इमेजरी, कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके मन में पढ़ रहे हैं,
आप समझते भी जा रहे हैं, साथ साथ में आपके दिमाग में इमेजेस भी फॉर्म होती जा रही हैं, ये हो गया आपका थिंकिंग। ठीक है, देखिए क्या लिखा गया, द फर्स्ट टू टाइप्स ऑफ रीडिंग लिमिट्स योर रीडिंग स्पीड। जो पहले दो प्रकार हैं उससे आपकी रीडिंग स्पीड जो है वो लिमिट हो जाती है। इट मे बी अबाउट 300 वर्ड पर मिनट मोर और लेस, ज्यादा भी हो सकती है 300 से और कम भी हो सकती है, मगर इसके आसपास ही घूम रही होगी। वेर एज यू नीड टू बी अराउंड द 1000 मार्क, लेकिन आपको 1000 वर्ड्स पर मिनट पढ़ने की स्पीड पे पहुंचना है इसके आसपास, मतलब 800 900 भी चलेगा। ओके और कैसे हो सकता है, दिस कैन बी अचीव्ड यूजिंग द थर्ड टाइप ऑफ रीडिंग, जो थिंकिंग वाला मेथड है वो आप यूज कर सकते हैं, है ना, आपकी रीडिंग को बेहतर करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट व्हाट टू डू, अब करना क्या चाहिए आपको उसके लिए। ठीक है, देखिए मैंने ये जो रेड कलर में हिल रहा है इसको बोलते हैं पॉइंटर। ठीक है, तो मैंने इस टाइम पॉइंटर ले रखा है, तो करना क्या है, पहला पॉइंट है पॉइंट विद योर इंडेक्स फिंगर और अ पेन टू द वर्ड्स यू आर रीडिंग। What to do? करना क्या चाहिए, अगर मेरी रीडिंग की स्पीड स्लो है और आप कहते हैं कि ये वाला तीसरा वाला मतलब दूसरा वाला जो थिंकिंग है इसको यूज करें, तो करना क्या चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं, पहला है पॉइंट विद योर इंडेक्स फिंगर और अ पेन टू द वर्ड्स यू आर रीडिंग, ट्राई एंड मूव योर फिंगर फास्टर, दिस विल एड यू इन एस्टैब्लिशिंग अ स्मूथ एंड रिदमिकल रीडिंग हैबिट। ठीक है, देख सकते हैं जो भी इस टाइम ये आपके स्क्रीन पर ये जो मूव कर रहा है इसको पॉइंटर कहते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ सेलेक्ट करके, ये देखिए मैं यहां से इसको चूज कर रहा हूँ, देखो लेजर पॉइंटर है ना, मैंने चूज किया हुआ है, हाँ जी ये चूज किया लेजर पॉइंटर मैंने। और क्या कह रहा है, पॉइंट विद योर इंडेक्स फिंगर, जो भी आप पढ़ रहे हैं ना अपनी, या तो इंडेक्स फिंगर पहली उंगली से आप उसको पॉइंट करें, ठीक है ना, या फिर आप एक पेन ले लें उसको पॉइंट करें, और द वर्ड्स यू आर रीडिंग, आप जो शब्द पढ़ रहे हैं उनको आप पॉइंट आउट करें, नीचे उसके फिंगर चलाते रहे। ट्राई एंड मूव योर फिंगर फास्ट, अपनी फिंगर को तेज चलाएं, ठीक है, अपने फिंगर को तेज चलाएं, दिस विल एड यू इन एस्टैब्लिशिंग अ स्मूथ एंड रिदमिकल रीडिंग हैबिट। इससे क्या होगा, आपकी स्मूथ रीडिंग की और रिदम में पढ़ने की आदत पड़ेगी। ठीक है, कितनी बार भी पढ़े, मैंने क्लास में मैंने कितनी बार बच्चों को बताया है, ठीक है, कि अब बहुत लोग क्या करते हैं, है ना, सामने रखा हुआ है अपने हाथ उन्होंने फोल्ड कर लिए, ठीक है ना, हाथ फोल्ड कर लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, ऐसे पढ़ के है ना आप कभी भी स्पीड नहीं ला सकते। ठीक है, और जब मैं उनको बोलता हूँ या टोकता हूँ तो उनको बुरा लग जाता है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ एक बात, कि अगर आप खुद को स्टूडेंट मानते हैं, ठीक है ना, और आप सीखना भी चाहते हैं, तो आपको अपना ईगो सबसे पहले त्यागना होगा। ठीक है, अब वापस चले, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैं क्या लिखा है यहाँ पर, स्टिल यूजिंग द मेथड्स टॉट इन एलिमेंट्री स्कूल, पढ़िए, स्टिल यूजिंग द मेथड्स टॉट इन एलिमेंट्री स्कूल, हो सकता है स्कूल में आपको ऐसा सिखाया गया होगा या उस टाइम अपनी हैबिट डेवलप कर ली है, लेकिन अगर आपको रीडिंग को फास्ट करना है ना, स्मूथ करना है, तो आपको ये आदत छोड़नी होगी और एक नई आदत अपनानी होगी, वो है कि आप फिंगर्स करते रहे, है ना, फिंगर चलाते रहे अपनी, पॉइंट विद योर इंडेक्स फिंगर, देखिए कैसे कर रहा हूं मैं, पॉइंट विद योर इंडेक्स फिंगर और अ पेन टू द वर्ड्स यू आर रीडिंग, ट्राई एंड मूव योर फिंगर फास्ट, दिस विल एड यू इन एस्टैब्लिशिंग अ स्मूथ एंड रिदमिकल रीडिंग हैबिट। ठीक है, तो पढ़ते पढ़ते मेरी ये फिंगर भी साथ साथ चलनी चाहिए, और ये मत करना कैसे कि आपके हिसाब से ये कर्सर मूव नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, आपकी फिंगर को आप फॉलो करें, इस पॉइंटर को मैं फॉलो कर रहा हूं, ठीक है ना, ये तेज जाएगा मैं तेज पढ़ूंगा, ये स्लो जाएगा मैं स्लो पढ़ूंगा, ठीक है ना, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता कि मुझे अब इस टाइम पॉइंट पढ़ना है तो मैंने इसको रोक लिया, पॉइंट पढ़ा फिर मैं विद पे आ गया, फिर मैं योर पे आ गया, फिर मैं इंडेक्स पे आ गया, ऐसे नहीं करना है, इसको स्मूथली बिना रुके चलने देना है। ठीक है ना, मैं पॉइंट से लेकर है ना यू आर तक, यहां तक बिना रुके इसको मूव कराऊंगा और स्पीड इसकी मैं तय करूंगा कि कितना स्पीड में जाएगा। ठीक है, पॉइंट विद योर इंडेक्स फिंगर और पेन, पॉइंट विद योर इंडेक्स फिंगर और अ पेन, पॉइंट विद योर इंडेक्स फिंगर और अ पेन, पॉइंट विद योर इंडेक्स फिंगर और अ पेन। ठीक है, देख सकते हैं मैं जितनी स्पीड पॉसिबल थी मैं स्लो भी कर रहा हूँ, उसको फास्ट भी कर रहा हूँ, तो ये मेरे हाथ में है, मैं कंट्रोल कर सकूंगा इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, एज यू मूव योर फिंगर अलोंग द लाइन दैट यू आर रीडिंग, ट्राई एंड टेक इन मोर देन वन वर्ड एट अ टाइम, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अगर आप पहला पॉइंट फॉलो करते हैं तो उसमें भी कुछ फ्लॉज है, फ्लॉज क्या होंगे, मैंने आपको बताया ना भी कि आप पॉइंट पढ़ रहे हैं, फिर विद पढ़ रहे हैं, फिर योर पढ़ रहे हैं, फिर इंडेक्स, नहीं, जितने ज्यादा वर्ड्स एक साथ में आप पढ़ सकें उतना पढ़िए, है ना,
पॉइंट योर इंडेक्स फिंगर, पॉइंट सॉरी पॉइंट विद योर इंडेक्स फिंगर, ये पूरे एक साथ पढ़िए, पॉइंट विद योर इंडेक्स फिंगर, ठीक है ना। और देखो फायदा कैसे मिलेगा आपको कि जब मैं पढ़ रहा हूं तो साथ साथ आप भी पढ़ें, ठीक है ना, ऐसे आपकी आदत बनेगी। और बिल्कुल जब आप सीखने उतरे हैं ना तो बेशर्मी से है ना काम को करें, ये मत सोचे कौन क्या सोचेगा, आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। पॉइंट विद योर इंडेक्स फिंगर, पॉइंट विद योर इंडेक्स फिंगर और अ पेन टू द वर्ड्स यू आर रीडिंग, टू द वर्ड्स यू आर रीडिंग। क्या किया मैंने, मैंने इसी सेंटेंस को तोड़ लिया, ठीक है ना, पहले मैंने पढ़ा इसको पॉइंट विद योर इंडेक्स फिंगर और अ पेन टू द वर्ड्स यू आर रीडिंग, कितने हो गए, एक दो तीन और चार प्रकार से मैंने इसको फिनिश कर दिया, ठीक है। ये काम आप भी कर सकते हैं, बस आपको आदत अपनी बनानी होगी कि आप जितनी बार भी पढ़ें आपकी फिंगर आपका पेन आपके साथ में रहे और एक साथ में दो तीन चार पांच जितने भी पॉसिबल आपसे हो उतने वर्ड्स ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हेन यू हैव रीच्ड द लिमिट्स ऑफ द प्रीवियस एक्सरसाइज देन टेक सम लाइट रीडिंग मटेरियल एंड ट्राई टू रीड मोर देन वन लाइन एट द सेम टाइम, ठीक है। जो आपने अपनी लिमिट क्रॉस कर ली, पिछला जो एक्सरसाइज है उसकी लिमिट आपने पार कर ली है, लिमिट के बारे में बता दूंगा आपको लिमिट क्या होगी इसकी, ठीक है। देन टेक सम लाइट रीडिंग मटेरियल, तो एक हल्का फुल्का रीडिंग मटेरियल उठा लीजिए, है ना, और एक बार में है ना एक लाइन पढ़ने की कोशिश कीजिए, मतलब जैसे देख सकते हैं पॉइंट से लेकर रीडिंग एक सेंटेंस पूरा है ना, तो इस लाइन को एक बार में पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैगजीन आर्टिकल्स आर गुड फॉर दिस पर्पस बिकॉज मेनी मैगजीन्स हैव नैरो कॉलम्स ऑफ अबाउट 5 or 6 वर्ड्स एंड ऑफन द मटेरियल इज लाइट रीडिंग, ठीक है। मैगजीन आर्टिकल जो है वो आपके लिए अच्छे रहेंगे क्योंकि उनके कॉलम में सेंटेंसेस होते हैं और एक कॉलम में कितने होते हैं, 5 या 6 वर्ड्स ही होते हैं और उनकी रीडिंग भी बहुत हल्की फुल्की, मतलब वर्ड्स भी बहुत हल्के फुल्के लेते हैं, तो इसलिए आपको वो पढ़ने में मजा भी आएगा और ये चीज आप सीख भी जाएंगे, ठीक है। पहला क्या था कि अपने इंडेक्स फिंगर या पेन को साथ साथ चलाते रहिए, है ना, और उसको है ना फिंगर को तेज चलाना है, स्मूथ चलाना है, बिना रुके चलाना है। फिर दूसरा पॉइंट है क्या कि आपको एक साथ में 2, 3, 4, 5 जितने हो सके वर्ड लेने की कोशिश करनी है। फिर तीसरा, अगर आप लिमिट तक पहुंच गए अपने एक्सरसाइज की, ठीक है, तो क्या करना है, फिर आपको हल्का मटेरियल उठाना है, ठीक है। अब लिमिट को समझा देता हूँ। लिमिट का मतलब होता है कि आप एक स्टोरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्टोरी जो है वो 3-4 पन्नों की है और 3-4 पन्ने जो थे उसके वो फिनिश हो गए, ठीक है ना। तो उसको पढ़ने के बाद अब कुछ और उठाइए जो उससे और आपको हल्का महसूस होता है, ठीक है, ये करने की बात कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट देखते हैं। वेरियस पैटर्न्स ऑफ विजुअल गाइडिंग शुड बी एक्सपेरिमेंटेड विद, दीज इंक्लूड डायगनल, कर्विंग एंड स्ट्रेट डाउन द पेज मूवमेंट्स। एक्सरसाइज योर आई मूवमेंट्स ओवर द पेज, मूविंग योर आईज ऑन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन्स एंड डायगनली फ्रॉम द अपर लेफ्ट ऑफ द पेज टू द लोअर लेफ्ट एंड फाइनली फ्रॉम द अपर राइट टू द लोअर लेफ्ट। ट्राई टू स्पीड अप ग्रेजुअली डे बाई डे, द पर्पज ऑफ द एक्सरसाइज इज टू ट्रेन योर आईज टू फंक्शन मोर एक्यूरेटली एंड इंडिपेंडेंटली, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जो वेरियस पैटर्न है आप अपने विजुअल मतलब आंखों को ट्रेन कर सकते हैं, है ना, एक एक्सपेरिमेंट के साथ में क्या कर सकते हैं, इसमें आप डायगनल, कर्विंग और स्ट्रेट जो है ना पेज के मूवमेंट को डिजाइन कर लीजिए, ठीक है। इससे अब मैं इसकी बात करूं, मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लीजिए ये पहला वाला जो है ना, मैं इसमें एक डायगनल ऐसे, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अगले वाले में क्या करता हूँ, अगले वाले में ये, हाँ, अगले वाले में मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है, मैंने ये बॉक्स बना लिया, ठीक है। नीचे मैं एक है ना कर्व बना लेता हूँ इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से मैंने बना लिया, ठीक है। इससे क्या होगा, है ना, आपका आपकी जो आंखें ना वो एक्यूरेसी पर फोकस कर पाएंगी, ठीक है। जैसे मैं अगर पहले वाले को ड्रॉ करता हूँ एक बार ना, वापस चलते हैं, एक बार रेजर लेते हैं, ठीक है, ये लीजिए, है ना, ओके। तो मैंने इसको लिया, अब देखो जब मैं इसको पढ़ रहा हूँ ना तो मुझे बाकी पे फोकस करना ही नहीं, बाकी नीचे क्या लिखा है, ऊपर क्या लिखा है, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे खाली अंदर पढ़ना क्या लिखा है। Patterns of visual guiding should be experimented with straight down the page movement. ठीक है, तो मेरा ध्यान इस टाइम से रिसीव होना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आप अपने कंसेंट्रेशन को बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस रीडिंग, और ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं कि आप इसे करें, ये चौथा वाला पॉइंट ऑप्शनल है, लेकिन
क्योंकि ये थोड़ा सा टायरिंग जॉब है, मैं बता दूं आपको, क्योंकि जैसा आपको मैंने अभी करके दिखाया, शायद ये आपके लिए कंफर्टेबल नहीं होगा, ठीक है ना। और ज़्यादातर ये एक्सरसाइज जो होती है स्कूल चिल्ड्रन के लिए होती है कि उनका ध्यान ज़्यादा भटक पाए, ठीक है। अगर मैं आपको कंपेयर करूँ बच्चों के साथ में, तो बच्चे इतना ज़्यादा उनकी स्पीड होती है ब्रेन की, थिंकिंग की, कि आप उनको मैच ही नहीं कर सकते। आप उनके समझ लीजिए आधी से भी कम स्पीड पे सोचते हैं। हाँ, बच्चे बहुत तेज सोचते हैं, हाँ ठीक है। तो ये एक्सरसाइज ज्यादातर उनके लिए होती है, लेकिन ये आपको भी फायदा दे सकती है, लेकिन थोड़ा सा आपको उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, 5, प्रैक्टिस रीडिंग एज फास्ट एज यू कैन फॉर 1 मिनट। 1 मिनट के लिए पढ़ते रहिए बिना रुके, ठीक है, विदाउट वरिंग अबाउट कॉम्प्रिहेंशन। बिल्कुल सही, 1 मिनट के टाइम निकालिए, है ना, उसमें अलार्म लगा लीजिए और बिना रुके पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। पढ़ना कैसे, जोर के बोल के कि सोच सोच के, मतलब मन ने पढ़ना है ना अपने, हाँ, तो पढ़ना आपको मन के अंदर अपने, बिना रुके 1 मिनट का टाइम लगाइए और बिना ये समझे कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पढ़ते जाइए। डोंट वरी अबाउट योर कॉम्प्रिहेंशन, दिस इज एन एक्सरसाइज ऑफ परसेप्चुअल स्पीड, ठीक है। ये स्पीड बिल्ड करने की एक्सरसाइज है, ना कि समझने की एक्सरसाइज है, ठीक है। आपका परसेप्शन बिल्ड हो जाना चाहिए, ना कि आपकी, आप सोचो कि भाई मैंने पढ़ तो लिया, समझ में कुछ आया नहीं है। समझ में भी आ जाएगा, है ना, उसकी चिंता मत करिए, लेकिन एक बार स्पीड आ जाए ना आपकी, उसके बाद आपको बहुत मजे से, बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फॉर दिस एक्सरसाइज यू आर कंसर्न प्राइमरली विद स्पीड, ऑल्दो एट दैट सेम टाइम यू आर रीडिंग फॉर एज मच कॉम्प्रिहेंशन एज पॉसिबल। रीडिंग शुड कंटिन्यू फ्रॉम द लास्ट पॉइंट रीच्ड। डू दिस फॉर 1 मिनट एंड देन कैलकुलेट योर रीडिंग स्पीड। कॉल दिस योर हाइएस्ट नॉर्मल स्पीड, ठीक है। अब हमारा क्या, देखो ये हमारा आज का जो फोकस है किस पर है, स्पीड रीडिंग पर है, ठीक है। आज जो हमारे वीडियो हम देख रहे हैं ये स्पीड रीडिंग के बारे में है, तो इसलिए कॉम्प्रिहेंशन को जाने दीजिए, है ना। जितना हो सके उतना आप ग्रास्प कर लें, ज्यादा पे फोकस बिल्कुल मत करें, ठीक है। और उसके बाद आप कैलकुलेट करें कि आपकी स्पीड क्या आई है, और उसको क्या मानना है आपको, उसको आपको मानना है नॉर्मल स्पीड। आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन फॉर 1 मिनट एट अप्रोक्सीमेटली 100 वर्ड पर मिनट फास्टर देन योर हाइएस्ट नॉर्मल स्पीड। अब आपको यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन को भी पिक्चर में लाना है, ठीक है ना। एक तरीका क्या हो गया, कॉम्प्रिहेंशन को आप जाने देंगे और उसके बिना पढ़ने की कोशिश करेंगे, और दूसरा समझ समझ के पढ़ने की कोशिश करेंगे, और इसमें आपकी स्पीड होगी 1 मिनट में कम से कम 100 वर्ड्स पर मिनट, ये आपको टारगेट रहेगा, ठीक है। और फिर ये भी करके देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 8वां पॉइंट, व्हेन यू कैन डू दैट कंटिन्यू इंक्रीजिंग योर स्पीड इन अप्रोक्सीमेटली 100 वर्ड पर मिनट इंक्रीमेंट्स, ठीक है ना। तो मान लीजिए आप ये करना शुरू कर दिया आपने, तो अपनी स्पीड को ना बढ़ाते रहिए 100 वर्ड पर मिनट के इंक्रीमेंट, मतलब 100 100 से बढ़ाते जाइए। जैसे इफ यू कैलकुलेट हाउ मेनी वर्ड्स देर आर ऑन एन एवरेज लाइन, देन इट इज इजी टू कन्वर्ट वर्ड पर मिनट इंटू लाइन्स पर मिनट। अगर आपको लगता है कि आप पता कर सकते हैं कि आपके एक लाइन में कितने वर्ड एवरेज में है, तो आप उनको लाइन पे कन्वर्ट कर सकते हैं कि 1 मिनट में मैं कितनी लाइन्स पढ़ सकता हूँ, ठीक है ना। आपका फोकस जब वर्ड के बजाय लाइन पे होगा ना, तो आपकी स्पीड अपने आप ही बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, इफ अ लाइन हैज 10 वर्ड्स एंड यू आर रीडिंग एट 1 लाइन पर सेकेंड, 1 सेकेंड में अगर आप एक लाइन पढ़ रहे हैं, देन यू आर रीडिंग एट 600 वर्ड पर मिनट। देख रहे हैं आप, तो अगर आपको लगता है कि आप 1 सेकेंड में एक लाइन पढ़ रहे हैं, तो फिर आपकी स्पीड क्या हो गई, 600 वर्ड्स पर मिनट हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अ चैप्टर एंड प्रैक्टिस रीडिंग 3 लाइन्स एट अ टाइम। आप चैप्टर के स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करें और एक बार में 3 लाइन पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। विद अ विजुअल एड सच एज अ कार्ड एंड एट अ फास्ट रीडिंग स्पीड फॉर 5 मिनट। 5 मिनट तक तेजी से पढ़ते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम रीड ऑन फ्रॉम दिस पॉइंट एमिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन एट द हाइएस्ट स्पीड पॉसिबल। डू दिस फॉर 5 मिनट्स देन कैलकुलेट द रिकॉर्ड एंड रिकॉर्ड योर रीडिंग स्पीड इन वर्ड पर मिनट, ठीक है। अब जब यहाँ पे आपने 5 मिनट तक पढ़ लिया है तेजी से, अब इसके बाद से यहाँ से 5 मिनट के लिए फिर आपको पढ़ना है, और अब कॉम्प्रिहेंशन के साथ में पढ़ना है, ठीक है ना। और अब कैलकुलेट करिए, रिकॉर्ड करिए कि आपने कितने वर्ड पर मिनट पढ़े। 11, टेक एन इजी बुक एंड स्टार्ट ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, ठीक है। स्टार्ट विद द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, एक आसान सी किताब उठाइए और चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ना चालू कर दीजिए। स्किम फॉर 1 मिनट यूजिंग अ विजुअल गाइड एट 4 सेकेंड्स पर पेज, ठीक है। आप उसको स्किम करिए, मतलब जल्दी जल्दी उसको पढ़ने की कोशिश करिएगा, है ना। 4 सेकेंड लगाना है आपको पर पेज में। विजुअल गाइड आप ले लीजिए। विजुअल गाइड का मतलब होता है कि आप जब उस पेज को देख रहे हो, तो उसमें से जितने ज्यादा आप वर्ड्स को रिकॉग्नाइज कर पाए,
उतना करिए उनको। नेक्स्ट 12, रिटर्न टू द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर एंड प्रैक्टिस रीडिंग एट योर मिनिमम स्पीड फॉर 5 मिनट्स। अब क्या करना है, आपको अपनी मिनिमम स्पीड को यूज करना है और चैप्टर को फिर से शुरू से पढ़ना चालू कर देना, ठीक है। तो बहुत सारे एक्सरसाइज आपको मैंने बता दी करने के लिए, आप क्या कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जितना ज्यादा अभी आपको मैंने 11-12 बताई है, ठीक है, जितना आप करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको उसमें मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, यूज द स्कैनिंग टेक्निक, ठीक है। अब ये टेक्निक भी बहुत काम की है, स्कैनिंग टेक्निक, ठीक है, ये देखते हैं। मेक अ रैपिड स्कैन ऑफ अ लाइट नॉवल, एक हल्की फुल्की नॉवल उठाइए, उसको स्कैन कीजिए, रैपिड मतलब तेजी से स्कैन कर दीजिए। स्टार्ट एट अ रेट ऑफ 15 सेकेंड्स पर पेज, 15 सेकेंड का टाइम लीजिए पर पेज में, ठीक है ना। पढ़ने के बजाय है ना, आपकी आंखों जैसे मान लीजिए वो कैमरा है ना, कैमरा क्लिक करिए है ना, बार बार अपनी आंखों को है ना देखिए कि इसमें क्या क्या आप देख सकते हैं। जितनी बार आपने पॉइंटर चेंज कर दीजिए, जैसे मान लीजिए अभी मैं इस पेज को मैं यहाँ पे था, मैं यहाँ पे आया, तो पहले मैंने यहाँ देखा, फिर मैंने यहाँ देखा, फिर मैंने यहाँ देखा, फिर मैंने यहाँ देखा, ऐसे देखो ये मेरा पॉइंटर जैसे मूव कर रहा है ना, ऐसे आप जल्दी जल्दी मूव करना शुरू कर दीजिए। और 15 सेकेंड के टाइम लीजिए पर पेज को। लेटर विद प्रैक्टिस दिस टाइम कैन बी रिड्यूस टू 12 और 10 सेकेंड्स पर पेज और इवन लेस। बाद में जो आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो इस टाइम को घटाया जा सकता है, 10 सेकेंड से भी आप कम समय में काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यू आर स्कैनिंग फॉर वॉट, सिग्निफिकेंट पीपल इवेंट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। जब आप इसको कर रहे होंगे तो आप मुख्य लोगों को, मुख्य घटनाओं को है ना, मुख्य बातों को ढूंढ रहे होंगे। एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर स्टॉप टू रिव्यू वॉट यू हैव जस्ट रेड, ठीक है ना। चैप्टर के एंड में रुकिए, रिव्यू करिए, माइंड अपने सोचिए कि आपने क्या क्या पढ़ा है इस टाइम पे, ठीक है ना। देन ट्राई एंड स्पेक्यूलेट अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है ना। उसके बाद कोशिश करिए कि आकलन करिए कि आप अगले चैप्टर में क्या पाने वाले हैं, क्या आपको मिलने वाला है, ठीक है। When you have scanned several chapters, no more than 5, then you will probably need to ask yourself some questions relating to missed events and information. ठीक है, आपको स्कैन करना है कई सारे चैप्टर्स को और 5 से ज्यादा आपको टाइम नहीं लेना है इसमें, है ना। देन यू विल प्रोबेबली नीड टू आस्क योर सेल्फ सम क्वेश्चन, फिर आपको अपने से कुछ क्वेश्चन पूछने होंगे उन इवेंट्स के बारे में जो आपने मिस कर दिए, उस इन्फॉर्मेशन के बारे में जो आपने मिस कर दिए, ठीक है। इन ऑर्डर टू बी एबल टू फॉलो द डेवलपमेंट ऑफ द स्टोरी, ठीक है, जो स्टोरी का डेवलपमेंट है, स्टोरी जहां से है ना स्टार्ट होकर जहां तक पहुंच रही है, उसको फॉलो करने के लिए स्पेक्यूलेट ऑन दीज आंसर्स, इनके आंसर्स पर आप है ना आकलन करिए। देन गो बैक एंड री रीड दीज चैप्टर्स नॉर्मली टू सी इफ यू वर करेक्ट। उसके बाद आप वापस जाइए चैप्टर पे, फिर देखिए कि क्या आपका जो अनुमान था वो सही है। वेन यू हैव रीच द एंड ऑफ द बुक इन द अबव मैनर टेक सम टाइम टू समराइज द स्टोरी मेंटली, ठीक है ना। जब आप चैप्टर के स्टोरी के बुक के एंड पहुंच गए हैं तो आप मेंटली माइंड में ही अपने स्टोरी को समराइज करने की कोशिश कीजिए। फॉर्म एंड आंसर एनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस अबाउट द स्टोरी एंड इवैल्यूएट व्हाट यू गेन्ड फ्रॉम दिस बुक। क्या करिए, कुछ समय लीजिए इसको समराइज करने के लिए, है ना। फॉर्म करिए, फॉर्म एंड आंसर एनी अनआंसर्ड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए जो अभी तक आपने आंसर नहीं किया है। स्टोरी के बारे में उसको इवैल्यूएट करिए और क्या आपने इस बुक से सीखा है उसको भी आपको फॉलो करना है, ठीक है। उस स्कैनिंग टेक्निक से भी आपको बेनिफिट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, बेनिफिट क्या है देखते हैं इसके। बाय यूजिंग द अबव एक्सरसाइजेस यू विल सून फाइंड दैट यू हैव मच ग्रेटर कंसंट्रेशन एंड अटेंशन। थ्रू दीज प्रोसीजर्स यू विल हैव डेवलप्ड अ लास्टिंग एंड वेरी यूजफुल स्किल, ठीक है। फायदा क्या होगा, अगर आप स्कैन मेथड यूज कर लेते हैं तो आपका कंसंट्रेशन बेहतर हो जाता है, आप चीजों को रिटेंशन माने उनको याद रख पाते हैं ना। स्टार्टिंग में रीडिंग की बात की तो रीडिंग से हम क्या क्या फायदे ले सकते हैं, है ना, रिटेंशन उसमें से एक था। आगे बढ़ते हैं, इन डेप्थ रीडिंग टेक्निक, कीप आस्किंग रेलेवेंट क्वेश्चन। जब भी आप पढ़ रहे हो ना उसमें इन डेप्थ का रिलेशन भी आता है, आप खुद के साथ में रेलेवेंट क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, तो भाई ये रहे क्वेश्चन। पहला है वॉट, Who, why, how, where, when, the main subject, है ना, कि इसमें main subject कहानी किसके बारे में है, बात किसके बारे में हो रही है, या फिर किसको ज्यादा focus किया गया है, आपको ये बातें ध्यान में रखनी होंगी और ये पढ़ते पढ़ते सोचना है ना। जैसे what से शुरू करते हैं, what additional information do I want to know about this subject, subject के बारे में और क्या information मुझे जाननी चाहिए। Who are या were the people connected with this subject, इस विषय के साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं या थे वो कौन है। वाई इज द सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट और वाई डिड द ऑथर राइट अबाउट दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के बारे में ऑथर ने क्यों लिखा था
और क्यों ये सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है ये आपको सोचना है पढ़ते पढ़ते। हाउ डज दिस सब्जेक्ट अफेक्ट मी और हाउ कैन आई यूज इट इन इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसेस डिस्क्रिप्शंस यू मे आस्क, हाउ कैन आई अचीव दिस, ये सब्जेक्ट मेरे को कैसे असर डालता है या मैं इसमें से क्या निचोड़ सकता हूँ, है ना। वेयर वेयर कैन आई यूज दिस सब्जेक्ट और वेयर डज डिट इट कैन टेक प्लेस, ठीक है, कि ये मैं कहाँ यूज कर सकता हूँ विषय, इसके बारे में सोचना है। वेन डज डिड द सब्जेक्ट हैपन और वेन कैन आई यूज इट, मैं इसको कब यूज कर सकता हूँ इसके बारे में भी आपको सोचना। तो ये वो सवाल है जो आपके माइंड में हमेशा घूमते रहने चाहिए ताकि आप पैसेज पढ़ने के बाद जब सवालों पर आए तो सवालों के आंसर्स आपके जहन में कहीं ना कहीं फिट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये एक बार इसको पढ़ के स्कैन करके देख लीजिएगा, है ना। पॉज करिए वीडियो को यहीं पर और आगे बढ़ते हैं इसमें हम। नेक्स्ट अगला पॉइंट है सर्चिंग कीवर्ड्स, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप कीवर्ड्स को सर्च करते रहे जब आप पढ़ रहे हो किसी पैसेज को, तो कीवर्ड्स जो मुख्य आपके वर्ड्स उन पर ध्यान लगाइए। क्या क्या हो सकते हैं वो नाउन्स हो सकते हैं, वो वर्ब्स हो सकते हैं, वो एडजेक्टिव्स हो सकते हैं और वो एडवर्ब्स हो सकते हैं, ठीक है। नाउन पता है आपको नाउन क्या होते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम होता है नाउन। वर्ब क्या होते हैं, क्रिया होती है ना। एडजेक्टिव विशेषता बताने वाले वर्ड्स होते हैं और एडवर्ब का मतलब होता है कि कार्य कैसे हुआ कब हुआ, है ना, उनके बारे में बात बताने वाले वर्ड्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने अपना स्ट्रैटेजी वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आपको क्या चाहिए कि आप एक बार वापस, है ना, उसको स्टार्ट करने की कोशिश करें, स्टार्ट से एक बार पढ़ के देखिए, पूरी बातें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। और ये सैम्पल पैसेज आपके सामने है ना, इस पे भी आप पॉज करिए और पढ़ने की कोशिश करिए। और जो की वर्ड्स की मैं बात अभी आपसे कर रहा था वो उनको मैंने अंडरलाइन, सॉरी, मैंने बोल्ड उनको कर दिया है, ठीक है। एक बार पूरा पैसेज पढ़ लेते हैं उसके बाद, है ना, देखते हैं। ओके, आई एम श्योर आपने ये पैसेज पढ़ लिया होगा, ठीक है। और पढ़ के आपको, है ना, देखो पढ़ के कैसे आपको ही पूरा पढ़ना है, बता दूं कैसे करना है आपको जी। तो ये सैम्पल पैसेज जो है आपको पढ़ना है, ठीक है ना। टाइमर लगाइए, ठीक है, ये दो, है ना, ये पेज में डिवाइडेड है, ठीक है ना। आप टाइमर लगाइए और देखिए कितना आपको समय इसमें लगता है, ठीक है। और उसमें जो कीवर्ड्स हैं जो बोल्ड में आपको दे रखे हैं, है ना, इन पे फोकस आपका होना चाहिए, ठीक है। तो आई एम श्योर आपने पढ़ लिया होगा। अब यहां से देखिए, ठीक है, यू कैन रिकंस्ट्रक्ट द सेंस ऑफ द पैसेज फ्रॉम दीज कीवर्ड्स। ये जो कीवर्ड्स हैं ये वही हैं जो पैसेज में आपको अभी देखने को मिले थे। इन्फेंट्स, फीलिंग्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, यूनिवर्सल, स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस, इंट्रा पर्सनल नॉलेज, आइडेंटिटी, अदर इंडिविजुअल्स, डिस्टिंग विशेस, 10 months, एम्पैथी, हेल्पफुल, मिरर, अम्यूज्ड, सेकेंड ईयर, एम्बेरस्ड, नेम, प्लान्स और स्टैंडर्ड्स, ठीक है। आप इस पैसेज को वापस बना सकते हैं, है ना, अपने थ्रू कैसे इन वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो चलिए, आई एम श्योर आपने समझ लिया होगा कैसे इसको करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो ये करना क्या क्या है, जब भी जैसे मान लीजिए इस पैसेज की बात कर लेते हैं, ठीक है, इस पैसेज को आपने पढ़ लिया, है ना, अपनी नॉर्मल स्पीड में पढ़ लिया है, स्पीड बढ़ा के पढ़ लिया है, स्लो करके पढ़ लिया है, जैसे कि आपको पहले इंस्ट्रक्शन दिए गए थे उसमें पढ़ लिया है, ठीक है। अब क्या करना है, अब अपने काम जो आपने किया उसको रिव्यू करिए। कैसे करना है, 5 मिनट आपको देना है उसी दिन जिस दिन आपने इसको, है ना, कवर किया, जिस दिन आपने इस आर्टिकल, इस पैसेज को पढ़ा, उसी दिन आपको 5 मिनट में इसको वापस रिव्यू करना है, ठीक है। उसके बाद एक हफ्ते बाद आपको 3 मिनट के लिए रिव्यू करना है, ठीक है। फिर एक महीने के बाद 1 मिनट का समय लगाना है इसमें, 6 महीने के बाद आपको फिर से 1 मिनट समय लगाना है, और मैक्सिमम टाइम जो भी आप दे सकते हैं रिव्यू को एक दिन में वो है 10 मिनट का समय। ये क्या करने के लिए है, दिस इज हाउ यू बिल्ड योर मेमोरी, अपनी मेमोरी को बिल्ड करने के लिए आपको ये काम करना चाहिए, ठीक है। और देखिए बहुत बच्चे जो होते हैं वो एक पैसेज को, जैसे उन्होंने इस पैसेज को पढ़ लिया, ठीक है, वो उस पैसेज को कहते हैं इसमें क्या पढ़ने को, नई चीज में क्या है, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, पैसेज पढ़ के समझ भी हमको हमने लिया है। लेकिन आप ध्यान रखें कि कोई भी, है ना, पैसेज आपके सामने आता है तो वो अपने साथ में ज्ञान का भंडार भी लेके आता है, ठीक है। इसलिए कभी भी इसको एक बार पढ़ के फिनिश मत कीजिए। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, है ना, 4-5 बार पढ़िए। एक आपको बता दूं, एक शायद आपने सुना भी होगा कुछ लोगों को कहते हुए कि परफेक्शन अगर आपको चाहिए तो आपको, है ना, 10,000 आवर्स देने हैं तब जाके परफेक्शन आएगा, ठीक है। एक काम को करने में 10,000 घंटे लगा दीजिए, परफेक्शन आ ही जाएगा, ये माना जाता है, ये साइंटिफिकली, है ना, लोगों ने प्रूव किया हुआ है।
ठीक है। लेकिन ये कब हो सकता है, जरा आप सोच के देखिए जरा, अगर आप किसी भी काम को है ना रिव्यू नहीं करते, एक बार आपने किया और आपने उसमें मान लीजिए 10 में से आपके है ना 9 आगे चलिए मान लेते हैं, ठीक है, या मान लेते हैं 10 में से आपके 10 नंबर भी आ जाते हैं, अब आपको क्या हासिल करना बाकी रह गया इसमें, ठीक है, कुछ बाकी रह गया हासिल करने के लिए, तो हम जरूर नहीं रह गया होगा आप ये बोलेंगे, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलें कि आपने जरूर स्कोर 100% बना लिया है, लेकिन पैसेज में अभी भी सीखने को बहुत कुछ है, तो इसलिए उसको एक 5 मिनट का टाइम दीजिए उसी दिन, फिर से है ना एक हफ्ते के बाद आप 3 मिनट का समय दीजिए, एक महीने के बाद 1 मिनट का समय दीजिए, 6 महीने के बाद 1 मिनट समय दीजिए, तो उससे क्या होगा आपकी मेमोरी जो है वो बिल्ड होने लग जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दस अ पर्सन स्पेंडिंग 1 आवर अ डे ऑन स्टडी वुड नीड टू स्पेंड ओनली अ मैक्सिमम टोटल ऑफ 10 मिनट्स अ डे टू कंप्लीट ऑल द नेसेसरी रिव्यूइंग एंड इम्प्रूव हिज मेमोरी मेनी टाइम्स ओवर, ठीक है। इसलिए एक जो व्यक्ति 1 घंटा स्पेंड करता है एक दिन में है ना, आगे चल के उसको हो सकता है उसी काम के लिए एक दिन में 10 मिनट का समय ही लगे, समझ रहे हैं, उसको रिव्यू करने में 10 मिनट्स का समय ही उसको लगेगा है ना, एंड इम्प्रूव हिज मेमोरी मेनी टाइम्स ओवर, और अपनी मेमोरी को इम्प्रूव भी कर पाएगा, ठीक है। दस अ फ्यू मिनट्स डिवोटेड टू रिव्यू मेक्स द आवर्स स्पेंड स्टडिंग इफेक्टिव एंड वर्थ वाइल, ठीक है ना। इसलिए जो भी आप कुछ समय आप मिनट्स दे रहे हैं ना रिव्यू करने के लिए है ना, वो इफेक्टिव होते हैं, उनको देना ही चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हेन यू हैव अक्वायर्ड द डिसिप्लिन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिव्यू ऑफ प्रीवियसली स्टडीड मटेरियल्स एंड रिसीव द बेनिफिट्स द प्रोसीजर विल बिकम ऑटोमेटिक एंड ईजी। जब आपने ये डिसिप्लिन हासिल कर लिया है इन रिव्यू को हासिल रिव्यू को करने का, उस स्ट्रैटेजी को आप रेगुलर यूज करेंगे, फिर ये बेनिफिट जो है ना आपको मिलेंगे मिलेंगे, क्योंकि अब जो प्रोसीजर है वो ऑटोमेटिक हो गया है, इजी हो गया है, समझ रहे हैं बात को, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ठीक है। हाँ मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि इन स्ट्रैटेजीज को एक बार फिर से, इस वीडियो को एक बार मत देखिए, 2-3 बार कम से कम देखिएगा, ताकि स्ट्रैटेजीज आपको समझ में आ जाए कि स्ट्रैटेजी है क्या, फिर इन्हें अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए, फिर इनको फायदे और नुकसान आपको नजर आने लग जाएंगे। अब हम आते हैं इसके सबसे लास्ट पॉइंट पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, सबसे जरूरी पॉइंट क्या है, ठीक है। कोई बता सकता है क्या है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ एनीबॉडी, चलिए मैं ही बता देता हूं आपको, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एंजॉय एंड हैव फन इन वॉट एवर यू डू, एंजॉय एंड हैव फन इन वॉट एवर यू डू, आप जो भी करें कुछ भी करें उसमें आपको मजे लेना बहुत जरूरी है, अगर आप मजे नहीं लेंगे तो चाहे वो कितना इंपॉर्टेंट काम हो, कितना इंटरेस्टिंग काम हो, ठीक है ना, लेकिन आप उसमें है ना वो बेनिफिट वो नहीं पा पाएंगे, आप वो रिजल्ट्स नहीं पा पाएंगे जिसकी आपको कामना है, ठीक है। तो एंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उस एंजॉय के बिना आप कभी भी बेनिफिट नहीं पा सकते। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब ये है आपका टेस्ट पैसेज, ठीक है, इसमें यही एक स्क्रीन है जहां पे आपको है ना ये पैसेज मैं आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है, इसके पीछे आंसर्स भी हैं, लेकिन मैं आंसर आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना, आंसर्स इसके मैं आपको अगले मतलब कल के वीडियो में आपको मैं इसका क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है, आंसर भी आपको साथ में दे दूंगा, और मैं एक काम और करूंगा, इस पैसेज को मैं आपको PDF फॉर्म में है ना फेसबुक पे आपको मैं सेंड कर दूंगा, उसका लिंक भी आपको मैं वहां पे दे दूंगा, ओके। मैं चाहता हूँ कि इस पैसेज को आप जैसे आप स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है उसके थ्रू उसको स्कैन करिए है ना, इसके जो की वर्ड्स हैं उनको आप नोट करें है ना, और फिर देखें कि क्या इसके क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैं चाहूंगा कि आप इनके क्वेश्चंस खुद से फ्रेम करें, ठीक है, इस पर जो क्वेश्चंस हैं वो खुद से बनाने की कोशिश करें, और फिर देखिएगा क्रॉस चेक कीजिएगा जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ और जो आपने सोचे थे क्या वो क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन मैच कर रहे हैं ये भी आपको देखना होगा, ठीक है। तो चलिए इतना बहुत है फिर आज के लिए, मिलते हैं कल, और आई एम श्योर आप बहुत ईगरली है ना इनके क्वेश्चंस का वेट करेंगे है ना, तब तक के लिए बाय बाय।